आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। कानपुर से वापस लखनऊ जाते समय नगर विकास मंत्री सुरेंद्र खन्ना उन्नाव में कुछ देर रुके। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं 2G मामले पर कहा कि कोर्ट गवाही पर सजा देती है, इस मामले पर उच्च स्तर से न्याय जरूर मिलेगा। वहीं 3 तलाक कानून पर उन्होंने कहा कि कानून महिला अधिकारों को संरक्षित करेगा, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करेगा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, जो मील का पत्थर साबित होगा। महिलाओं को उनका अधिकार मिले, महिलाओं को बराबर का अधिकार मिले, ये हम लोगों की सोच है। गाजियाबाद में दलित समाज के एक कार्यक्रम में हंगामा हो गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि ग्रेट जाटव सभा के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री जी ने कहा कि भाजपा सरकार दलित हित की पार्टी है, जिस पर दलित समाज से खड़े एक युवक ने भाजपा नेता के पूर्व में दिए बयान को लेकर अपनी बात कही, जिसके बाद वहाँ हंगामा हो गया। गाजियाबाद में पुलिस ने किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे लूटपाट करने वाले गैंग के 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किए गए बदमाशों ने अपने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वह पहले NCR में कई लूट की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। वहीं बदमाशों के पास से पुलिस को 3 लग्जरी कार सहित हथियार और गाड़ी की 2 फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुई है। लखनऊ से आए चकबंदी विभाग के 2 अधिकारियों ने मुजफ्फरनगर के 2 ग्रामों के अभिलेखों की जांच पड़ताल की। इस दौरान PWD पहुंचकर विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की पत्रावलियां भी चेक की गईं। दरअसल मिल रही शिकायतों को लेकर लखनऊ निदेशालय के जॉइंट डायरेक्टर और चकबंदी अधिकारी द्वारा अभिलेखों सहित विभागीय जाँच की गयी थी। वहीं अधिकारियों ने बताया कि चकबंदी संबंधित कई शिकायतों को शासन ने गंभीरता से लेते हुए उन्हें जाँच के लिए भेजा है। मुजफ्फरनगर में एक शुगर मिल में किसान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, जिसके बाद किसानों ने शव को वहीं रखकर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान भाकियू सदस्य मृतक किसान के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाने और परिवार को 25 लाख का मुआवजा दिलाए जाने की मांग करते रहे। वहीं पीड़ित परिवार ने मिल के GM सहित 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी की मांग भी सामने रखी। साथ ही भाकियू के जिला अध्यक्ष ने रेल रोककर प्रदर्शन करने की बात कही है। मुजफ्फरनगर में तांत्रिक क्रिया के द्वारा एक महिला को ठगने का मामला सामने आया, जहां 2 ठग एक महिला को सम्मोहित कर उसके पास से 4 अंगूठी और 2000 रुपए ठगने के बाद फरार हो गए। वहीं एक CCTV में ठग महिला के साथ चलते हुए कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कन्नौज के राजकीय मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखते वक्त पूर्व CM अखिलेश यादव ने कहा था कि अब किसी भी मरीज को इलाज के लिए दूरदराज नहीं भटकना पड़ेगा, लेकिन आज हालात इसके उलट नजर आते हैं। यहां इलाज कराने आए मरीजों को रेफर करके कहीं और भेज दिया जाता है, जिस कारण यह मेडिकल कॉलेज रेफरिंग सेंटर बनकर रह गया है। वहीं सांसद के प्रतिनिधि इस मामले पर सरकार को दोषी मानते हुए कहते हैं कि मौजूदा सरकार मेडिकल कॉलेज को चलने नहीं देना चाहती। जो डॉक्टर थे यहां पर, उन डॉक्टरों का भी ट्रांसफर कर दिया गया है, कोई व्यवस्था नहीं है, फेल करने पे लगे हुए हैं मेडिकल कॉलेज को। आप देखें, पैरा मेडिकल कॉलेज, कैंसर अस्पताल और हृदय संस्था दोनों बने खड़े हुए हैं, सरकार ने बनवा दिए, अरबों रुपया लगा है, लेकिन उसके बावजूद आज तक सरकार उन्हें शुरू नहीं करा पा रही है। सरकार की मंशा नहीं है कन्नौज में कोई अच्छा काम हो, जनहित के जुड़े हुए कामों पे भी सरकार मुकर रही है, सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और आवाज बुलंद करेंगे। आगरा की एक पॉश कॉलोनी में 6 हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर परिवार को बंधक बना लिया, जिसके बाद घर में लूटपाट की गई। घटना के बाद बदमाश परिवार को घर में बंद कर फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस पर मामले में लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। बांदा में अन्ना जानवरों से परेशान किसानों ने अब बगावती तेवर अपना लिए हैं, जिसके चलते किसानों ने खुद अन्ना जानवरों को बंद करना शुरू कर दिया, जिसमें वह सरकारी स्कूलों पर कब्जा कर उसमें अन्ना गायों को बंद कर रहे हैं, जिस कारण पाठशाला पशुओं के बाड़े में तब्दील हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ इस कार्यवाही से बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई, जबकि प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं कि वह किसी कार्यवाही को करने की जगह किसानों को ही धमका रहा है।
बदायूं के गांव कौरी में जमीनी विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद पिछले 30 साल से चल रहा है, जिसमें एक व्यक्ति की पहले भी हत्या हो चुकी है, जिसके चलते रंजिशन इस वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, साथ ही आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात भी पुलिस कह रही है। मथुरा के व्यस्तम छाता बाजार में कन्हैया क्लॉथ मार्केट में स्थित कपड़ों की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे दुकानों में रखे हजारों रुपए के कपड़े जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि आग 3 दुकानों में लगी थी। घटना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गईं। वहीं कपड़े की मार्केट में लगी आग के कारणों का कुछ पता नहीं चल सका है। रायपुर के मांडर स्थित स्टेट बैंक में चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया, जिसमें आरोपियों की निशानदेही पर क्राइम ब्रांच और पुलिस टीम ने राजस्थान और हरियाणा से चोरी किया गया सोना बरामद किया है। साथ ही चोरी का सोना खरीदने के मामले में पुलिस ने 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जिसके बाद अब पुलिस पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।